रियली हेडशॉट मॉर्टल रैम्बो ये गन बंदे को भी नॉक कर सकती है सही में। तो और वे लोग क्या हाल चाल है यार। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मेरा मार 2.0 पहले वाले मेरा मार से बेटर है, खास करके टेक्सचर और कलरिंग वाइज, क्योंकि भाई कलर्स अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पहले बहुत ज़्यादा येलो लगता था लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और कलरिंग काफ़ी अच्छी है। होपफुली इसकी वजह से थोड़ी भीड़ आना शुरू हो जाएगी इस मैप पे, क्योंकि भाई ये मैप पे तो मैच पहले लगता ही नहीं था। मतलब अभी फिलहाल मैंने आज जब इस मैप को डाउनलोड करा और इस पर मैच लगाया तो मैच तो खटाक से लग गया और अब 10 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि भाई वाकई में अभी लोग इंटरेस्टेड और खास करके जो पीछे सैंड स्टॉर्म है ना ये बहुत कूल लगता है। स्कूबी को गुस्सा था कि ये मूव क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन भाई समझ लो पबजी मोबाइल है यार, पबजी पीसी नहीं हो रखा है, जो भी हो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है सैंड स्टॉर्म। अब फिलहाल बात करते हैं इस मैच ये तो भाई देखो इस मैच में एक सीधा कट मेरे हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूज़ करूँगा इसमें विंचेस्टर, है ना, भले मेरे को AW में क्यों ना मिल जाए। तो भाई चलो आगे देखते हैं कि क्या मैं विंचेस्टर से किसी को मार भी पाता हूँ या फिर नहीं। फिलहाल जो भी हो अभी तो गन्स ढूंढनी थी। अब वहाँ सामने की तरफ से फायर हुआ था लेकिन वो काफ़ी दूर था, लेकिन तभी एक तरफ से कार 98 चली और भाई साहब ये मौका था चेक करने का कार 98 वर्सेस विंचेस्टर 90 नहीं ओ भाई विंचेस्टर 98 अबे क्या होता है यार मैं तो भूल भी गया, अबे मेरे को याद नहीं आ रहा सही में। फिलहाल जो भी हो सामने वाला बंदा मेरे को जो है दिख नहीं रहा था, तो अब इसका एक ही सोल्यूशन था कि मैं और उसको भी वहाँ जाके ढूंढे उसको, तो हम लोग ने वही करा। अच्छा याद आ गया मेरे को नाम विंचेस्टर 94 हाँ विन 94 बोलते हम लोग। फिलहाल जो भी हम लोग इस बिल्डिंग के पास आ गए थे जहाँ पर बंदा कार 98 चला रहा था और ये बंदा घात लगा के बैठे था। ये बंदा पूरा रेडी था लेकिन इसकी उजी पे कोई ड्रॉ या फिर एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ शायद नहीं था, क्योंकि इसको काफ़ी देर लगी रीलोडिंग में और उतनी देर मैंने घुस के M16 से भाई को ठोक दिया। अब मैं यहाँ बॉट समझ के आया था लेकिन ये बंदे निकले। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को घर भेज दिया। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर फायर हुआ था, हम लोग को पता था कि इस घर के ऊपर एक बंदा है, तो हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर रश करने के लिए आए, लेकिन तभी नीचे से फुटस्टेप आने लगा मेरे को, तो मैं सोचा शायद इसका साथी नीचे से आ रहा है। लेकिन यार ये तो एक बॉट निकला, तो इसको हम लोग ने ठोक दिया। लेकिन अब एक और कमाल की बात पता चली कि वो बंदा असल में यहाँ है ही नहीं, वो तो सामने है। अब सामने मैं कूदा तो मेरे को एक डिब्बा दिख गया और मैं समझ गया कि ये भाई साहब 3PP ले रहे हैं वहां पर। और भाई को क्या ही मारा, लेकिन याद है सामने की तरफ से फायरिंग हुई थी M4 से, तो अब भाई वहां पर जाना था और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहां पर कम से कम एक डुओ तो हो ही। अब हम लोग को इतना तो कंफर्म था कि ये बंदा इसी घर में है, तो हम लोग सीधा अंदर घुस गए और भाई साहब फुटस्टेप ने ये कंफर्म भी कर दिया कि हम लोग एकदम सही है। अब उसने एक नेट करा तो इसको भी नीचे भाग आया, लेकिन अब बारी थी घुसने की। और इस भाई साहब को भी काफी आराम से ठोक दिया, तो अब यहां पर करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो हम लोग लगे एक गाड़ी ढूंढने। लेकिन यकीन मानो चीजें इतनी आसान अभी भी नहीं है मेरा वार में। अब देखो भले ही इस गन पे एक स्कोप अब आ गया हो जो कि कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार 98 का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कार 98 से इसका डैमेज भी कम है, प्लस स्कोप भी इसका वीक है। तो भाई कार 98 अभी भी कार 98 है और विन 94 बस एक गन है जिसको अब आप थोड़ा यूज़ कर सकते हो। फिलहाल सामने की तरफ से फायरिंग हुई थी और मेरे को एक बंदा भी दिखा, लेकिन यार इस मैग्निफिकेशन में क्या ही मारूं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2x या फिर थोड़ा बहुत रेड डॉट के जितना जूम करता है काम इसे चलाना है। फिलहाल मैंने जब PUBG PC में खेला था ये चीज़, तो यार उसमें ही काफ़ी अच्छा जूम कर रहा था। PUBG मोबाइल में पता नहीं क्यों मेरे को ये उतना जूम इन लेवल इसका अच्छा नहीं लगता। अब जो भी हो यहाँ पर हम लोग को पता था कि हम लोग को धीरे धीरे डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से तो भैया विंचेस्टर से मैं मार चुका।
up till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit to my bones. अब यहाँ तक पहुँच के मेरे को एक बात तो पता चल गई कि वो अकेला बंदा नहीं है, वहाँ पर दो बंदे हैं। तो मैंने ये तय कर लिया था कि कम से कम एक को तो मैं विंचेस्टर से मारूंगा ही मारूंगा। अब एक को तो मेरे को नॉक करना पड़ा M7 से, लेकिन दूसरा मेरे को दिखा जिसको मैंने डैमेज दिया और चीख के बोला स्कूबी मेरे को मारने दे। लेकिन स्कूबी ने सिर्फ एक गोली मारी, वो उसके हेड लग गया और बंदा फिनिश हो गया इससे पहले कि मैं विंचेस्टर चलाता। अब फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा कम बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनना भाई, हम लोग क्या ही फंसे यहाँ पर चार तरफ से। अब एक को मैंने लुड़का दिया, लेकिन एक बंदा बाइक से भाग गया, सामने की तरफ से फायरिंग हो रही थी और तभी पीछे से ओम चली। अब क्योंकि पीछे से ओम चली थी तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे। और भाई साहब M4 वाला अलग, अब सामने जो शैक वाला था वो गंदा फायरिंग कर रहा था, प्लस पहाड़ पे भी बंदे आ गए जो कि हम लोगों पर फायर कर रहे थे। अब स्कूबी यहां पर प्रोन हो गया क्योंकि यहां दो तरफ से कवर था, लेकिन ऊपर वाले अभी भी हमको मार सकते थे। अब यार मैं सबको मार तो रहा था लेकिन बॉडी शॉट पड़ रही थी, और क्योंकि मैग्निफिकेशन लगभग नाक के बराबर है तो हाथ पे पड़ रही थी, पैर पे पड़ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस हिट मारकर आ रहा था कभी कभी बॉडी का। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि तीन तरफ से पड़ रही थी, तो हम लोग डिसाइड करा कि जो सबसे करीब है झोपड़ी है इनको मारते हैं, यहाँ कवर भी मिल जाएगा। लेकिन ओम वाले ने स्कूबी को धर लिया तो मैं जबरदस्ती आगे गया क्योंकि मेरे को इनको मारना ही मारना था। और भाई दो दो तरफ से मेरे ऊपर फायर हो रहा था, फिलहाल यहाँ पर मेरे को स्कूबी को रिस्क लेके बचाना ही बचाना था। तो यहाँ पर मैं आगे आया और मैंने कुछ स्मोक करे, लेकिन पहाड़ वाले भाई साहब स्कूबी को फिनिश करने की पूरे जुगाड़ में लगे हुए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन ओम वाला था, अगर वो छुरा भी देता ना तो मैं मर जाता, यहाँ पर मेरी हेल्थ काफ़ी लो थी। फिलहाल स्कूबी को यहाँ पर मैंने किसी तरीके से रैप दिया और भाई अब हम यहाँ रुक नहीं सकते थे, हमको भागना ही भागना था यहाँ से। अब स्कूबी को मेरे को थोड़ा सा कवर भी देना था हेल्थ लगाने के लिए, तो मैंने थोड़ा इनको बिजी रखा। अब हम लोग भाग के जा ही रहे थे कि स्कूबी को टेक दिया गया और फिर मेरी एक गंदी शॉट पड़ी और भाई मैं क्या ही बचाऊं इधर। अब मैं स्मोक तो करना चाहता था लेकिन मेरी हेल्थ इतनी लो थी ना कि अगर एक गोली M4 से आ जाती ना उसका टीममेट की तो मैं बचता नहीं, तो स्कूबी तो यहां फिनिश हो गया। लेकिन अब मेरे को यहां से संभालना था। अब फिलहाल मेरे को कोई दिख तो नहीं रहा था लेकिन मेरे को एक रेड कलर का डॉट दिख रहा था, तो मैंने सोचा हेलमेट की स्किन है तो मैं उधर ही फायर कर रहा था, बट वहाँ कोई था नहीं। तो मैं एक बात तो समझ गया कि मेरे को जोन में भी जाना है, जोन बहुत दूर है, तो गाड़ियाँ तो थी नहीं यानी ओपन में भागना था। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने 6x लिया कि मैं M7 पे 6x लगा के एटलीस्ट सिंगल फायर तो कर लूँगा, थोड़ा मेरे को मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिल जाएगा कि भाई विंचेस्टर का भूल ही जाओ, इसको भी इतनी दूर काम भी करेगा। लेकिन भाई यहाँ मेरी किस्मत देखो, यहाँ मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे को गाड़ी मिलेगी, लेकिन गाड़ी मिली तो कौन सी मिली भाई, मिराडो, वो भी गोल्डन स्किन वाली गोल्डन मिराडो मिली भाई, क्या ही बताओ। अब यहाँ पर तो इसको भी कम्प्लीटली शॉक में था कि मेरे को ये कहाँ से मिल गई, लेकिन भाई नीचे वाले बंदे जिनके पास AWM थी वो स्प्रे कर रहे थे मेरे ऊपर M4 से। अब उन्होंने तो धुआं तो निकाल दिया और यहाँ मेरी गाड़ी भी पता नहीं कैसे फंस गई। यार यहाँ फंसी कैसे गाड़ी मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को गाड़ी छोड़ना पड़ा वरना वो मेरे को ठोक देते। भाई ओम थी, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था, तो यहाँ पर मैं डिसाइड करा कि मैं पैदल ही भागूंगा और फाइनली मैं किसी तरीके से जोन के अंदर पहुंच गया। अब मैं जोन के अंदर तो आ गया लेकिन मेरे को स्कूबी का बदला लेना था भाई, तो यहाँ पर मैं जैसे ही पहुंचा मैं दूसरी तरफ देखने लगा कि वो भी तो जोन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन भाई वो कब आए कहाँ से आए कुछ पता नहीं था। अब मैं पीछे जोन की तरफ भाग ही रहा था कि मेरे को पहाड़ी पे एक बंदा दिखाई दिया। अब मैंने उसके एक बॉडी शॉट कनेक्ट करी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद वो मेरे को दिख नहीं रहा था, हल्का सा वो दिख रहा था रेंडर की वजह से, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस रेंडर जो दिख रहा है ना उसी पे ही मारूं, तो अगर वो पीक देता है उठ के तो उसकी गोली फौरन कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन भाई वो ऊपर आता था तो उसके सिर्फ एक बॉडी पड़ती थी, और यकीन मानो विंचेस्टर की बॉडी शॉट बहुत वीक होती है, तो वो बच रहा था, साथ ही साथ वहां पर उसका टीममेट भी था, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से पीक दे रहे थे।
अब विंचेस्टर में सब कुछ खराब नहीं है, इसका जो रेट ऑफ फायर है ना भाई, वो सारी बोल्ट एक्शंस में, वैसे ये लीवर एक्शन है लेकिन अगर इसको कैटेगरी में डालें बोल्ट एक्शन की, तो भाई इसका सबसे तेज रेट ऑफ फायर है, मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी रैपिड फायर कर सकते हो इससे, तो ये एक अच्छी बात है इस गन की। और सही बताऊँ तो मेरे को लगता है ये गन है यूजफुल अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग रेंज में स्नाइपिंग नहीं करनी है, आपको बस ऐसा मिड रेंज या शॉर्ट रेंज में स्नाइप करना है, तो ये बहुत अच्छा वेपन हो सकता है, मतलब खटाक से डैमेज दो और फौरन अंदर आ जाओ वाला हिसाब किताब है। अब यहाँ पर मेरे को दो बंदे अलग अलग जगह से पीक दे रहे थे और दोनों के पास बोल्ट एक्शन थी, एक के पास कार 98 थी और एक के पास शायद ओम थी, मेरे को पता नहीं है, लेकिन भाई मेरे पास थी विंचेस्टर और मैं हटने वाला था नहीं पीछे, क्योंकि भाई स्नाइपिंग चैलेंज में इतनी सनीस नहीं छोड़ता। अब भाई मेरे को देख रहा, मैं खुला बाहर खड़ा होकर उनको चैलेंज कर रहा था, भाई मार मेरे को, लेकिन यार वो मतलब बहुत जरा से पीक दे रहे थे, वो लगभग एक पिक्सल दिख रहा था मेरे को वहां पर। अब फिलहाल मेरे ऊपर एक ओम चली साइड वाले घर से, ये लकी था मैं कि वो कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पता नहीं था वहां बंदा है। फिलहाल मैंने उसकी एक बॉडी शॉट रखी और उसके बाद उसने दोबारा पीक नहीं दी। अब पहाड़ी वाला भी लगातार मेरे ऊपर फायर दिए पड़ा था, तो यहां पर मैंने उसकी एक बॉडी शॉट मारी, ये शॉट मैं चूक गया, लेकिन इस बार मैं वेट करने वाला था। अब भाई देखो यहां पर मेरे को एक बंदा दिखाई दिया जिसको मैंने एक बॉडी शॉट मारा, उसके बाद उसने दोबारा पीक नहीं दिया, लेकिन मैं यहां पर टोटली कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने जब उस बंदे को देखा था, मतलब जिस बंदे को मैंने नॉक करा, उसका टीममेट नीचे जा रहा था उस घर की तरफ, तो यहां पर मैं सोच रहा था कि वो बंदा ऑलरेडी घर तक पहुंच गया है, तो ऊपर जिसको मैंने नॉक करा है वो नॉक पड़ा होगा, तो मैं इधर से सोचा कि मैं जाऊंगा उसके ऊपर पुश कर दूंगा, उसको फिनिश कर दूंगा और फिर नीचे जाके थर्ड पार्टी करूंगा। लेकिन यहां पर मैं कंप्लीटली चौंक गया भाई, क्योंकि उस बंदे को रैप मिल गया था, तो इसका मतलब उसके दोनों टीममेट, मतलब वो और उसका टीममेट वहीं पर थे, तो मेरी इंफॉर्मेशन यहां पर टोटली गलत थी। अब हिसाब किताब ऐसा था कि दो बंदे पहाड़ी पे थे और एक बंदा घर में था। अब उसको मैंने काफी डैमेज दिया था और भाई ये मौका मैं छोड़ना चाहता नहीं था। हाँ भाई इसको तो मैंने भर दिया, तो फाइनली यहाँ पर हिसाब किताब खत्म हो चुका था, लेकिन एक बात पता है ना, नीचे वाले घर में बंदा था एक, तो मेरे को अब उसका भी ध्यान रखना था, तो यहाँ पर मैंने इनको जैसे ही फिनिश करा, मेरा ध्यान घर के ऊपर था, तो मैंने जल्दी से गाड़ी उठाई और सीधा उस घर के ऊपर पुश कर दिया। अब भाई यहाँ पर मैंने एक बहुत ही गंदा मॉली मिस कर दिया, लेकिन अब मेरे पास कोई खास ऑप्शन था नहीं, तो मेरे को अंदर जाना ही जाना था, क्योंकि सामने वाला जो नीचे एक फैक्ट्री टाइप की दिख रही है वहाँ पर फायरिंग हुई थी, तो वहाँ पर बंदे हैं, तो मैं बाहर घूम नहीं सकता था ऐसे। अब यहाँ पर मैंने चेक करा, लेकिन ऊपर मेरे को कोई दिखा नहीं और सामने भी कोई खास दिख नहीं रहा था, तो मेरे को समझ भी नहीं रहा था मैं क्या करूँ, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं बाहर जाऊँगा और इसके ऊपर एक नेट डालूंगा, लेकिन यहां पर एक नेड आया तो मेरे को अर्जेंट में भागना पड़ा वहां से। और भाई ये बंदा मेरे को दिखा तो मैंने इसको मार दिया। अब मैं सोचा सामने वाली फैक्ट्री खाली हो चुकी है, अब बस मेरे को इस घर में मारना है नेड। अब भाई ये बंदा तो मर गया और मेरे को इतना पता था कि फैक्ट्री में भी जो बंदा था उसको मैंने मार दिया है, तो बस अब दो बंदे बच रहे हैं और मैं गेस कर रहा था कि वो मतलब फैक्ट्री में तो होंगे नहीं। फिलहाल यहाँ पर भाई ओम पड़ी हुई थी, मेरे को दिल पे यार सही बता रहा हूँ सांप लौट रहे थे, लेकिन भाई नहीं उठा सकते थे क्योंकि डिसाइड करा था कि विंचेस्टर ही चलाएंगे। अब फिलहाल यहाँ पर मैं डिसाइड करा कि मैं फैक्ट्री जाऊँगा, क्योंकि वो जोन में थी और मेरे को लग रहा था कि बंदे फैक्ट्री के बाहर है, तो मेरे को वहाँ से एक हाइट एडवांटेज भी मिलता, लेकिन यहाँ पर मेरे से एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हुई। एक बंदा यहीं पर था और दूसरा मेरे को छत पे से आवाज़ आई, तो मैं छत पे रश करने जा रहा था, लेकिन इतनी जल्दी वो बाहर वाला बंदा नीचे आ गया और मैंने हक दिया। सैड लाइफ, सो सैड।